शुभदीप सिंह सिद्धू, यानी कि सिद्धू मूसेवाला, एक ऐसा नाम जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। वो एक ऐसा नाम है जिसे बच्चे से लेकर बूढ़ा भी जानता है। आखिर जाने भी क्यों ना, इतनी कम उम्र में शोहरत हासिल करने वाले कलाकार को आखिर कोई क्यों नहीं जानेगा। फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद सभी को नहीं पता होंगी। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ आंचल। आज मैं आपको सिद्धू की वो खास बातें बताऊंगी जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सिद्धू के लिए सब कहते थे कि वो कम हंसने वाले और एक रफ एंड टफ इंसान थे, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि उन्हें बच्चे बहुत पसंद थे। बच्चों के साथ सिद्धू मूसेवाला बच्चे बन जाते थे। दुनिया भर में घूमने वाले सिद्धू को सबसे ज्यादा खुशियां उनकी माँ के हाथ से बने आलू के पराठों से मिलती थी। सिद्धू बहुत ही नॉर्मल लाइफ जीने वाले इंसान थे, इसलिए खाने में भी उन्हें चूल्हे की रोटी और दाल बहुत पसंद थी, खासकर कि वो माँ के हाथ की बनी। सिद्धू के लाइव कॉन्सर्ट्स काफी सारी कंट्रीज में होते थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो अपने हर कॉन्सर्ट में अपने पेरेंट्स में से किसी एक को हमेशा अपने साथ रखते थे। सिद्धू की लाइफ में पांच चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिनके बिना वो बिल्कुल नहीं रह सकते थे, और उनके नाम है पेरेंट्स, वेपन, उनकी कार्स, उनके एक दो जिगरी दोस्त और लास्ट में उनका पिंड, यानी कि उनका गाँव। और यही वजह थी कि इतना नाम कमाने के बाद, इतनी शोहरत हासिल करने के बाद सिद्धू गांव में रहना, ट्रैक्टर चलाना और खेतों में काम करना पसंद करते थे। जब भी सिद्धू बाहर किसी इवेंट पर जाते थे या शो के लिए घर से निकलते थे, तो हमेशा उनकी माँ उनके बाल बनाती थी, वो चोटी, वो पग जो उनकी दादी ने रखवाई थी। भले ही सिद्धू पढ़ने कनाडा गए हो, उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हो, लेकिन उनका पढ़ाई में कभी मन नहीं लगा। वो हमेशा ही एक एवरेज स्टूडेंट रहे। वो फिफ्थ क्लास से ही सिंगिंग का शौक रखते थे। सिद्धू की माँ सरपंच थी, इसके बावजूद वो कभी नहीं चाहती थी कि उनका बेटा राजनीति ज्वाइन करे, लेकिन सिद्धू का कहना था कि सिस्टम सही करने के लिए सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ता है। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि सिद्धू की सबसे बड़ी एडिक्शन क्या थी? नहीं ना, उनके गाने देखकर आपको लगेगा कि सिंगिंग उनकी एडिक्शन थी, लेकिन नहीं, उनकी सबसे बड़ी एडिक्शन थी असला, यानी कि वेपन्स। उन्हें हथियारों का बहुत शौक था, जो हम उनके गानों में भरपूर देखते थे। सिद्धू को फिल्में देखना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उनकी फेवरेट सीरीज थी सेक्रेड गेम्स। इसके अलावा पंकज त्रिपाठी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी उनके फेवरेट एक्टर्स थे। अपने गानों से लेकर रियल लाइफ में एक निडर जिंदगी जीने वाले सिद्धू का सबसे बड़ा डर क्या था, ये जानकर आपको हैरानी हो जाएगी। दरअसल सिद्धू हमेशा डरते थे कि जो भी कुछ उन्होंने अपनी लाइफ में हासिल करने का सोचा है, बस वो सब पूरा होने से रहना जाए। सबसे आखिरी और सबसे खास फैक्ट, सिद्धू जब भी घर से निकलते थे तो अपनी माँ से मिलकर उनके पैर छूकर निकलते थे, और उनकी माँ हमेशा उन्हें टीका लगाकर भेजती थी। लेकिन दोस्तों, इसे इत्तफाक कहें या अनहोनी का बुलावा, 29 मई को जब सिद्धू मूसेवाला अपने घर से निकले तो उनकी माँ घर पर नहीं थी। पहली बार बिना उनके पैर छुए, बिना उनसे टीका लगवाए वो घर से निकले और फिर कभी नहीं लौटे। 11 जून यानी कि आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, और इस खास दिन पर मेरी और मेरी टीम की तरफ से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी हमारे चैनल फिल्मी बीट को जरूर फॉलो करें।